सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुबह आई है, शाम भी आएगी, आज आया है कल भी आएगा, दुख आया है सुख भी आएगा, कुदरत की चिंता कुदरत पर ही छोड़ दे, हे मानव तू चाह कर भी बदल नहीं सकता इस दस्तूर को, फिर क्यों कल की फिक्र में आज को बदलने पर तुला है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। आज का पंचांग 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 3:18 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:19 से 5:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृषक राशि 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्र समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, आपको धीरे से काम लेना होगा। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने का उचित समय है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में आप कोई खास फैसला ले सकती हैं। युवा वर्ग भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे और सफल भी रहेंगे। लक्ष्य तय करके उसके लिए डेडिकेशन बनाए रखें। आपके जीवन की कई बातें बदल रही है, सकारात्मकता के साथ काम करते रहें, आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। नकारात्मक बातों का असर आपके काम पर ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। बड़ा टारगेट अपेक्षा के अनुसार हासिल होने से प्रसन्नता बनी रहेगी। पार्टनर और आप मिलकर निर्णय को अमल में लाना पसंद करेंगी। कब की तकलीफ भी बढ़ सकती है, पूरा ख्याल रखें। आज आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पिछले कुछ समय से चल रहे बोरिंग रूटीन से राहत मिल सकती है। कुछ नए कामों पर भी आपका ध्यान रहेगा। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ज्ञान वर्धक और महान साहित्य पढ़ने में समय व्यतीत करें। सावधानियां, प्रैक्टिकल बने तथा अपने निर्णय सर्वोपरि रखें। अपनी भावनाओं और उदारता जैसे स्वभाव पर काबू रखें। कुछ लोग आपकी इन बातों का व्यक्तिगत फायदा भी उठा सकते हैं। आपकी कोई खास अथवा मूल्यवान वस्तु न मिलने से टेंशन भी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के बीच आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। शाम को किसी खास मित्र से मुलाकात खुशनुमा मौसम बनाएगी। अगर आप अपने रिश्ते को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने परिवार के मध्य में अपने आप को व्यक्त करें। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बढ़िया दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वे बहुत खुश होंगे। बात करते हैं करियर की। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग तथा वाहन से संबंधित व्यवसाय गतिविधियों में सुधार आएगा। तुरंत ही मौके का फायदा उठाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। नौकरी में टारगेट को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। बात करते हैं सेहत की। गैस और एसिडिटी की वजह से पाचन शक्ति बिगड़ सकती है।
इस समय ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज ही रखें। स्वास्थ्य केवल शरीर की अवस्था नहीं है बल्कि इसका संबंध मन से भी है। इस बात को भी समझने के लिए आज के दिन बहुत उपयुक्त है। आज आपको चाहिए कि अपने मन में जमा हुआ सब अतिरिक्त कबाड़ साफ कर दें और खुद को शांति से समझकर देखें। असंभव को प्राप्त करने का प्रयत्न न करें, इसके स्थान पर जो आपके पास है उसका आनंद लें। आप पाएंगे कि आपको वो संतुष्टि मिल गई है जिसे आप पाना चाह रहे थे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देवता की विधिवत पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।